नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यानी कि जो मेरी टेलीग्राम की चैनल है VIP एडिटिंग, उसमें जाके आप ये प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, वहाँ से आपको सभी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी अपने जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्च में आपको टेलीग्राम में लिखना है VIP एडिटिंग और ये जो चैनल है वो खोल लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट फाइल दे दूँगा, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अभी दोस्तों, प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिसका नाम है ज़काइवर एप्लीकेशन। तो ज़काइवर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको खोल लेनी है। तो एप्लीकेशन खोलने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने ये जो प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करके रखी हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है। बाद में दोस्तों, आपके पास एक ऐसी प्रोजेक्ट फाइल यानी आ जाएगी वैलेंटाइन डे 3 RAR करके फाइल आ जाएगी। तो दोस्तों, उस फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है और एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जब भी आप एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है। उसके अंदर जो बीच बीच में पासवर्ड डाला गया है वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। तो दोस्तों, मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूँगा। ओके करते ही दोस्तों आपके पास एक दूसरी फाइल आएगी जो कि zip फाइल होगी। तो दोस्तों, इतना होने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको जो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेन एप्लीकेशन है नोर वीडियो एप्लीकेशन, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम के चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैंने नोर वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पर खोल ली है। अभी आपको करना क्या है कि आपको यहाँ इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, लोड प्रोजेक्ट zip पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 3 लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है। और आपको आपके मोबाइल के फोल्डर में जाना है जहाँ आपने ये जो प्रोजेक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखी हो, जो कि zip फाइल थी। तो zip फाइल पर अपने क्लिक कर लेंगे। zip फाइल पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर ये प्रोजेक्ट फाइल यहाँ आ जाएगी। बाद में यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो नोर वीडियो एप्लीकेशन में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है लोड होके यहाँ नोर वीडियो एप्लीकेशन में खुल जाएगी। थोड़ा दोस्तों टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट फाइल यहाँ खुल गई है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सभी फ़ोटो दिखाई देंगे जो कि PNG फ़ोटो है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से वीडियो के आगे जाऊँगा इस तरह। तो आपको यहाँ पे दोस्तों 3 फ़ोटो नज़र आ रहे हैं। तो उसके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं Your Photo 3, Your Photo 2 और यहाँ पे Your Photo करके लिखा है। तो तीनों फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो जो मेन फ़ोटो है। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे एक फ़ोटो चेंज करके आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, ये वाला जो फ़ोटो है, सबसे पहला फ़ोटो है, उसका नाम मैंने योर फ़ोटो करके लिखा है। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो जो ये वाला जो फ़ोटो है वो पहला फ़ोटो है, तो इसको मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा। तो फ़ोटो चेंज करने के लिए सबसे पहले जो फ़ोटो चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। बाद में दोस्तों, यहाँ पर अपने चेक कर लेंगे ये वाला ही फ़ोटो है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आजू बाजू कर लेंगे। बाद में दोस्तों, आपको 3 लाइनिंग पर क्लिक करना है और रिप्लेस पर आपको क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ क्लिक कर लेंगे, 3 लाइनिंग पर क्लिक करेंगे, इमेज में चले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे
इमेज में जाने के बाद आपके मोबाइल के सभी फोल्डर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके मोबाइल के फोल्डर में जो भी कोई फ़ोटो हो, PNG फ़ोटो या कटिंग किया हुआ फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट कर दिया है। अभी दोस्तों मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले रहा हूँ, तो ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ से वीडियो के आगे आऊँगा इस तरह, तो यहाँ पे फ़ोटो चेंज हो गया है। अभी दोस्तों आप उस फ़ोटो को आजू बाजू कर सकते हो, इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हो और ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। इस तरह आप फ़ोटो को सेट कर सकते हो। वैसे ही दोस्तों आप सभी फ़ोटो चेंज कर सकते हो। अभी दोस्तों आप सॉन्ग अगर इसमें ऐड करना चाहो तो ये प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे जो लोड फ्रॉम फाइल है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तीन लाइनिंग पर चले जाएंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पे ऑडियो फाइल लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको आपके मोबाइल के सभी सॉन्ग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी सॉन्ग आपका सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं कोई एक सॉन्ग सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये सॉन्ग मैंने सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये सॉन्ग अभी यहाँ ऑडियो करके लिखा है, वो सॉन्ग है तो यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप सॉन्ग को कटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि सॉन्ग पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हो ये जो सॉन्ग है ये 45 सेकंड का है। तो दोस्तों यहाँ पे आप उसको कट भी कर सकते हो इस तरह। कट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो ग्रुप पे क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको ऑडियो नज़र आता होगा तो वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सॉन्ग कट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सॉन्ग 30 सेकंड का हो गया है। अभी दोस्तों ये वीडियो तैयार है, अभी ये वीडियो सेव करना है। तो यहाँ पे अपने क्लिक करेंगे और ग्रीन बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट में लिखना मत भूलना।